मैं मुकेश गुप्ता, मैं वेल्थ केयर सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। बाय एजुकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, और मैं फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में पिछले 26 सालों से कार्य कर रहा हूँ। आप ही जैसे कई फैमिलियों को, करीब 500 से ऊपर फैमिलियों को सर्विस करती है, और हमारा AUM 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल प्रोडक्ट फॉर द जो पहली बार के इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें आपको इक्विटी लाइक रिटर्न मिलता है, इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, और जो हमारा फिक्स्ड इनकम है उससे हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनने से एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है, और जो पिछले करीब 10-12 सालों से इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है लोगों का। पहले क्या होता था, नॉर्मली जब लोग मार्केट अप होता था तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, और जब मार्केट डाउन होता था तो वहां से निकल जाते थे, और जब वो डेट में करते हैं तो कभी रिटर्न कम आ रही है। तो काफी टाइम में लोगों का पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने के लिए हम अपने इन्वेस्टर को रिकमेंड करते हैं कि आप बैलेंस एडवांटेज टाइप ऑफ फंड में जाइए। इसके जो हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या है, हमारे को जो नॉर्मल डेट फंड है उनसे हमारे को ज्यादा रिटर्न मिलता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, बहुत ज्यादा उठा पटक हो रही हो, तो यहाँ पे आपको कंपेरेटिवली काफी कम डाउन होता है ये। अगर आप हम नॉर्मल इक्विटी फंड या स्टॉक मार्केट से करें कि अगर स्टॉक मार्केट में इतना करेक्शन हुआ है तो ये काफी मिनिमल करेक्शन होगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये रैली में पार्टिसिपेट करता है। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए, जैसे लास्ट ईयर जब कोरोना क्राइसिस हुई थी, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, मार्केट काफी तेजी से नीचे जा रहे थे। तो जब वो तेजी से नीचे जा रहे थे तो काफी जो इन्वेस्टर हैं वो लोग घबरा के वो अपना पोर्टफोलियो डिसइन्वेस्ट कर रहे थे या सेल कर रहे थे, लेकिन उस टाइप पे जो इस कैटेगरी वाली स्कीम्स थी वो धीमे धीमे अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा रही थी। तो जब मार्केट पूरा नीचे था तो उनका इक्विटी एक्सपोजर बढ़ के 70 से 75% हो गया था। तो बेसिकली जैसे जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमें सस्ता खरीदना चाहिए और महंगा बेचना चाहिए, वो दोनों चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे मार्केट धीमे धीमे ऊपर आता जा रहा है, ये इस स्कीम में वो कंसिस्टेंटली इक्विटी को एक्सपोजर धीरे धीरे कट करते जा रहे हैं। तो अगर हमें दूर जाना है, दूर जाने के लिए दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जो हमारा जो रिटर्न नहीं आता, रिटर्न मार्केट में हमेशा से रहे, अगर हम देखें इंडेक्स देखें पिछले 40 साल का रिटर्न हो गया तो 40 साल से 16% का रिटर्न दे रहा है, बट हम अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब मार्केट हाई जा रहा होता है तो हम और ज्यादा बाइंग करते हैं, जब वो सेल जा रहा होता है तो हम सेल कर देते हैं उसको। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट में से इमोशन को आउट कर देता है और आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है। तो मैं कहूँगा ये लंबी रेस का घोड़ा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। थैंक यू। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।